हेलो जी, आज मैं आपके लिए बालों में लगाने के लिए एक ऐसा पैक बना के लाई हूँ जिससे कि आपके बाल बहुत ही लंबे और सुंदर हो जाएंगे और उनमें एक अलग शाइनिंग आएगी, जैसे आपने पार्लर में स्पा कराया हो। तो करना क्या है, आप एलोवेरा लेना, इस तरह से एलोवेरा को लेना और उसे छील लेना, और छील कर इसका जो पल्प है ना वो निकाल लेना चम्मच से, इस तरह से इसे स्क्रैप कर लेना आप चम्मच से। मैंने ऐसे ही किया था, तो इस तरह से सारा पल्प स्क्रैप कर लेना, दो तीन पत्ते ले लेना आप एलोवेरा के, और उनका अच्छे से सारा पल्प निकाल लेना। एलोवेरा हमारे लिए बहुत अच्छा तो होता ही है, बालों के लिए, स्किन के लिए, और इसके इतने फायदे होते हैं। इसमें प्रोटीन होता है तो बालों को प्रोटीन भी मिल जाता है। अगर आप अंडा नहीं लगाते हो तो एलोवेरा लगा लेना, तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो बस इसका पल्प निकाल लेना, 1 कप के करीब, दो तीन पत्तों का निकल जाएगा, और उसे निकाल के मिक्सी में डाल लेना। ऐसे किया था मैंने, और फिर मैंने 1/2 कप दही लिया, दही डाल देना। दही आप पे ताजी हो चाहे थोड़ी खट्टी हो तो भी चल जाएगी, तो दही डाल देना, और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेना। 1/2 नींबू लिया था मैंने, वो निचोड़ दिया। फिर इसको मिक्सी में चर्न कर लेना, और मिक्सी में पीसने के बाद इसको आप एक छलनी लेना और छलनी से छान लेना, क्योंकि अगर छलनी से छान लोगे तो इसमें जो कूड़ा होगा, थोड़े रेशे होंगे, तो वो आपके बालों में चिपकेंगे नहीं, और आपके बाल एकदम अच्छे से साफ हो जाएंगे जब इनमें शैम्पू करोगे आप बालों में। तो इस तरह से मैंने छान लिया है, और ये मेरा पेस्ट तैयार हो गया। अब मैंने इसको बालों में लगा लिया था, और बालों में लगाने के बाद इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देना है लगा हुआ। कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ना जरूरी है, जिससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप शैम्पू कर लेना। देखो मेरे बाल कितने अच्छे हो गए, कितने स्मूथ और सिल्की हो गए, जैसे स्पा कराए हूँ, और ये केवल एलोवेरा से ही हुए हैं। तो आप भी ऐसे ही कर लेना। ओके, बाय बाय।